सैमसंग गैलेक्सी A53, सैमसंग गैलेक्सी A73 और अब सैमसंग गैलेक्सी M53 भी भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और सैमसंग ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन M53 लॉन्च किया, जिसमें आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 चिपसेट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको हमेशा की तरह इसकी अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने वाला हूं। यहां पे हम जानेंगे कि फोन का बॉक्स कंटेंट क्या है। छोटा सा डब्बा देख के समझ तो गए होंगे कि चार्जर तो नहीं मिलने वाला है इसके अंदर। बेसिक चीजें होंगी जैसे कि केबल, कुछ डॉक्यूमेंट्स और मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर सिलिकॉन कवर भी दिया होगा, बट फिर भी हमारा फर्ज है आपको पूरा डिटेल में वीडियो दिखाना और वही मैं करने वाला हूँ। अनबॉक्सिंग करूंगा और उसके साथ साथ आपको इसके फीचर से रूबरू कराऊंगा। तो चलिए बिना किसी देर के यहाँ से सील को काट लेते हैं, काफ़ी तेज धार है इसकी। और ये लीजिए, खटाक करके डब्बा खुल गया है। यहाँ पे इधर देखिए, यूजुअली क्या होता है, जो सैमसंग के पहले बॉक्स आते थे बड़े वाले, उधर उसमें यहाँ पे एक लिड रखी जाती थी जिसके अंदर सिलिकॉन कवर डॉक्यूमेंट्स होते थे, बट अब छोटा कर दिया है तो यहाँ पे लिड नहीं है और सिलिकॉन कवर आपको देखने को नहीं मिलता। अब बारी आती है यहाँ पे बाकी बॉक्स कंटेंट की। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन मिल जाएगा आपको। इसका मैं ये सेलो फिल्म हटा देता हूँ और इसका स्टिकर भी यहाँ से हटा देते हैं। अच्छी बात है यार, कुछ जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं, जो थोड़ी सी अच्छे ब्रांड वाली होती हैं, वो स्टिकर जो है वो इतना अच्छा लगाती हैं कि वो खचाक करके निकल जाता है और गम भी नहीं छोड़ता। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका स्टिकर भी इतनी रगड़ रगड़ के, थिनर लगा के, सैनिटाइजर लगा के उतारना पड़ता है। एनीवे, ये सब बातें बेकार की हैं, अभी हम फ़ोन पे नजर डालते हैं और फ़ोन की लुक्स देखिए, कितनी शानदार लुक कंपनी ने निकाली है। देखने में प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, बट एनीवे अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, बाकी बॉक्स कंटेंट देखते हैं और फिर फर्स्ट इंप्रेशन की ओर रुख करेंगे। यहाँ से फ़ोन को मैंने ऑन कर दिया है, ये बटन ही इसका पावर बटन है और यही इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। ये देखिए, एक छोटी सी लिड दी गई है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। और इस लिड में आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और इधर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ओके, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक केबल भी निकली है, बोथ एंड्स इसके टाइप सी हैं। और ये रही एक और चीज़, वो है डॉक्यूमेंट्स। अरे निकल जा भाई, देखिए डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी एक डॉक्यूमेंट और है इसके अंदर, वाह नहीं डॉक्यूमेंट नहीं, सॉरी माय बैड। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, यूजुअली आप पढ़ते नहीं हैं इसको, बट जो बॉक्स में मिल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं सैमसंग का जब M53 आप खरीदेंगे, ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। और अब बारी आती है इसके फर्स्ट इंप्रेशन में नजर डालने की। चलिए अब फर्स्ट इंप्रेशन भी देख लेते हैं। अब आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली और जान लिया कि कंटेंट जो है वो बहुत ही मिनिमल सा है, जैसे कि आजकल सैमसंग के फ़ोन में आपको देखने को मिल रहा है। बट अब बारी आती है फर्स्ट इंप्रेशन की और सबसे पहले डिज़ाइन से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, सैमसंग ने इसका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा बनाया है। बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है, लेकिन लुक वाइज काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है, वो खुद आप देख सकते हैं। कलर हिट जो है ये डुअल शेडेड कलर है, है तो ग्रीन, लेकिन जब थोड़ा सा आप लाइट में इसको रिफ्लेक्ट करेंगे थोड़ा डार्क ग्रीन हो जाता है उस तरफ, और देखने में काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का शाइनी सा देखने को मिल रहा है। एकदम बहुत शाइनी नहीं है, लेकिन शाइन है इसके अंदर। जो टच है उसका मैट टच आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से लुक काफ़ी इंप्रेसिव लगती है। साइड में देखिए कर्व है और एकदम स्लीक सा लाइट वेट स्मार्टफोन कंपनी ने बनाया है, देखने में काफ़ी हैंडी लग रहा है। हालांकि साइज़ थोड़ा बड़ा है, अगर हम इसको सैमसंग A53 से कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए A53 के मुकाबले मुझे M53 थोड़ा लुक वाइज ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। ऐसा मेरा ओपिनियन है, आपका चेंज हो सकता है ओपिनियन, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर हम साइड्स देखें तो इधर देखिए A53 के मुकाबले M53 काफ़ी पतला भी है। तो एक छोटा सा मैंने आपको डिज़ाइन का कंपैरिजन इन दोनों का दिखा दिया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन दोनों का एक कैमरा कंपैरिजन भी कर दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि करूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्योंकि उसी बेसिस पे मैं कंपैरिजन करूँगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं सोचूंगा कि करना है। दोनों में ही आपको 3.5 ऑडियो जैक नहीं मिलता, ऊपर देखिए नीचे देखिए। तो एक और चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो पावर बटन पे है M53 में, लेकिन A53 में फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इन डिस्प्ले मिल जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये भी है, थोड़ा भारी है और लुक पुरानी है। इसकी लुक थोड़ी सी अलग करने की कोशिश की है कंपनी ने, और लाइट वेट स्मार्टफोन है। डिज़ाइन के बाद अगर डिस्प्ले पे गौर करें तो यहाँ पे आपको बता दूं कि कंपनी ने डिज़ाइन के साथ साथ डिस्प्ले को भी बहुत सुंदर बनाया है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि बेजल्स जो हैं वो एकदम ना के बराबर हैं। नीचे का चिन देखिए, वो साइड के बेजल से ही मिलता जुलता है, बहुत ही स्लीक चिन दिया गया है। ऊपर आपको छोटा सा पंच होल मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले का व्यू देखिए, फुल व्यू एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा इसमें। और यहाँ पे टॉप पे आपको ईयरपीस मिल जाता है, स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड नहीं आता इसके अंदर।
और इसके साथ साथ अगर हम डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 6.7 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले इसमें मुहैया करवा के दिया है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। डिस्प्ले में जाता हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ मोशन स्मूथनेस में 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट और 60 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट, तो बीच का ऑप्शन भी नहीं है और ऑटो का ऑप्शन भी नहीं दिया। सुपर एमोलेड प्लस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तो जो भी आप कंटेंट देखेंगे वो एकदम रिच कंट्रास्ट बढ़िया शानदार कंटेंट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक बार अबाउट सेक्शन में जाके भी कुछ फीचर्स आपको दिखा दूं, जैसे कि बैटरी में जाता हूं, यहां देखिए 5000 mAh की बैटरी इसमें आपको मिल जाती है और कंपनी ने इसमें 25 वॉट की चार्जिंग स्पीड दी है। हालांकि बॉक्स के साथ चार्जर नहीं आता, लेकिन आपके घर में अगर कोई पुराना सैमसंग का 25 वॉट का चार्जर हो तो आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं या फिर आपको मार्केट से नया खरीदना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि इसमें मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 चिपसेट आपको मिल जाता है, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। हम काफ़ी स्मार्टफोन्स में इसका टेस्ट कर चुके हैं, हमें काफ़ी अच्छा भी लगा है चिपसेट, लेकिन इसके साथ मिल रहा है ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि सैमसंग के साथ आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 मिल जाएगा तो यू नो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर सेक्शन पे गौर करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं वन UI वर्जन 4.0 है और एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाता है, तो हर एस्पेक्ट में कंपनी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको मुहैया करवा के दे रही है। अब सारे चीज़ों में हमने नजर डाल ली, कैमरा रह गया और कैमरा ही मुझे लगता है कि इसका सबसे हाईलाइटेड फीचर है। 108 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे क्वाड कैम सेटअप मिल जाता है, चार कैमरा पीछे दिए गए हैं, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं क्वाड कैम सेटअप 108 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। देख शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है। मोर में आपको दिखा दूँ फीचर्स, पहले प्रो मोड, प्रो वीडियो मोड अलग सा है, सिंगल टेक, नाइट, फूड, पैनोरामा, मैक्रो, सुपर स्लोमो, स्लो मोशन, हाइपरलैप्स। और वीडियो में जाएंगे यहाँ पे आप देखिए वीडियो में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, 30 FPS, फुल HD एट 60 FPS भी मिल जाता है आपको। इसके साथ साथ फोटो में जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 108 मेगापिक्सल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो कंपनी 108 मेगापिक्सल कैमरा दे रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। पोर्ट्रेट मोड है, फन मोड है, फन मोड के लिए इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको, तो फिलहाल अभी ये हो नहीं रखा। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट कैमरा से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया है, 2x डिजिटल जूम भी कर सकते हैं आप, और इसके साथ साथ इसमें आपको मैक्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन भी मिल जाता है और डेप्थ सेंसिंग 2 मेगापिक्सल की मिल जाती है, यानी 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर हैं, एक डेप्थ सेंसिंग के लिए और एक मैक्रो के लिए। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का शूटर दिया है। सैमसंग कैमरास के मामले में जरा सी भी कंजूसी नहीं करती, बहुत शानदार कैमरास हमेशा ही मुझे सैमसंग के लगे हैं। खासतौर पर सैमसंग का M सीरीज का ही एक फ़ोन आया था M51, बेहद ही उमदा स्मार्टफोन था, आज भी उसकी फोटोग्राफी काफ़ी इंप्रेसिव मुझे लगती है और ये भी डिसेंट लग रहा है। टेस्टिंग कैसी होगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब पूरी तरह से रिव्यू करूंगा, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। चेहरा भी आपको थोड़ा सा पिंकिश शेड का दिख रहा होगा, बट उसका रीज़न ये है क्योंकि लाइट सामने से एक पिंक कलर की आ रही है वो मेरे चेहरे पर पड़ रही है, बट अदरवाइज क्वालिटी मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रही है। और फ्रंट में वाओ इंप्रेसिव, आपको बता दूं कि आजकल महंगे से महंगे स्मार्टफोन में फ्रंट में 4K नहीं मिलता, लेकिन इस रेंज वाले फ़ोन में भी आपको कंपनी फ्रंट में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे रही है, दैट इज़ रियली इंप्रेसिव। और मोर में कुछ कुछ फीचर्स देख लीजिए यहाँ पे आप, नाइट मोड फ्रंट में भी आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल एकदम दमदार पावर पैक्ड स्मार्टफोन कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसको मैं सोच रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A53 से कंपेयर करूँ। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।